हैप्पी बर्थडे टू यू, जिनका बर्थडे 28 जून को होता है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आई एम सॉरी आपके बर्थडे वाले दिन मैं आपकी बर्थडे विशेस और आपकी बर्थडे कार्ड रीडिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तब हमें बिल्कुल भी, जितने भी हीलर्स हैं उन्हें हीलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं जो है पेंडिंग काम सारे सब की जो बर्थडे विशेज हैं पहले मैं वही करने जा रही हूँ। तो जिनका बर्थडे 28 जून को होता है उनके लिए आप देखिए, उनके बर्थडे नंबर में 2 आता है और 8 आता है। तो जो 2 नंबर है वो हमारा जो है चंद्रमा का नंबर होता है, और हमारा जो 8 नंबर है वो कौन सा नंबर होता है? वो शनि का नंबर होता है। यानी कि 2 चंद्रमा और 8 शनि, तो ये कुछ कुछ इस तरह से कह लीजिए, ये लोग जो लोग होते हैं ना जिनका बर्थडे 28 जून को आता है, ये ना बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। इनको ना चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट करती हैं, जो कि इनको इस बात पे थोड़ा काम करना चाहिए कि इन्हें जो है हर्ट नहीं फील करना चाहिए। तो बट क्या करें, प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वो पोजीशन ही ऐसी है। 2 और 8 उसका कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 8, 9, 10 नंबर 1 वो सूर्य का नंबर बन जाता है। अब 8 हो गया शनि का नंबर और 1 नंबर हो गया सूर्य का नंबर और 1 हो गया चंद्रमा। तो ये देखिए, चंद्रमा, शनि और सूर्य, तो ये कुछ एक इस तरह का योग बनाते हैं कि पर्सन के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहता है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अभी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है और कुछ चाहिए। जबकि अगर उसका जोड़ करें जो नंबर 1 बनता है, तो नंबर 1 वाले बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत अच्छे कहेंगे उनके अंदर एक चीज़ों को समझने की, काम को करने की एक तेज होता है, एक उनका पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी आ गया तो खूबसूरत भी बहुत होते हैं, हाँ, और चीज़ों को बड़ा स्लो एंड स्टेडिली करते हैं क्योंकि 8 नंबर भी आ गया बीच में। 8 नंबर शनि का नंबर, कहते हैं ना स्नेह स्नेह चलें, धीरे धीरे चलते हैं। तो वो जो है बहुत आराम आराम से चीज़ों को अपनी लाइफ में जो स्टेप लेते हैं, वो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स, उस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आप करते हैं आपके लिए हम रीडिंग की। आपके लिए 28 जून 2020 से लेके 28 जून 2021 तक क्या रहने वाला है, तो चलिए देखें। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है चैरियट का, यानी कि खूब फील्ड वर्क करेंगे, खूब घूमेंगे, खूब मूवमेंट नज़र आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रही है। और बहुत अच्छी जो भी आपकी मूवमेंट होंगी वो ऐसी मूवमेंट ही होंगी कि आप बहुत दुखी हो रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा फिर भी करना पड़ रहा है, नो, हैप्पीली यू विल बी डूइंग इट। और ये आपके लिए अच्छी भी होंगी और जो है आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी भी लाएंगी। आपको सोमवार को जो है शिव जी पे जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और सोमवार का अगर फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए और कार्ड्स देखते हैं। यस, थोड़ा जहाँ पे काम का आपका सिचुएशन है, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ नया करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे आपके मनी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है। जो आप प्रमोशन की बात फिलहाल सोच रहे हैं, अभी तो प्रमोशन नहीं दिख रहा है और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी कम से कम सर्दियाँ आ जाएंगी, उसके बाद जब नेक्स्ट आपका सेशन होगा, कह लीजिए 2021 में आपका प्रमोशन होगा और बहुत अच्छा प्रमोशन होगा। फिलहाल तो आपका प्रमोशन नहीं दिख रहा। अगर आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो हेल्थ की तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आपको बिल्कुल हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड बिल्कुल ये कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, आपको लगता है आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा आपको, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन
तो करना चाहिए ना, थोड़ा सा प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए, और आपको अपनी हेल्थ की बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, और जो है पैसों का खर्चा थोड़ा संभल के करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे अपने ऐसे स्पेंड मत करिएगा, फालतू में मत खर्च करिएगा, क्योंकि अगर आपने फालतू में खर्च करे तो आगे आपका हाथ टाइट हो सकता है। ये देखिए आगे भी कार्ड आपका यही आया है, टू ऑफ पेंटिकल, जो ये कह रहा है कि बिल्कुल बच्चों की तरह जो है शॉपिंग्स मत करने शुरू कर देना, अपनी लिस्ट मत बना लेना, जो आपके पास चार पैसे हैं उनको आप संभाल के रखना। एक सिचुएशन आपकी और नज़र आ रही है रिलेशनशिप के लिए, ऐसा लग रहा है जिनका बर्थडे आज है 28, सॉरी, जिनका बर्थडे 28 जून को था, उनके लिए इस ईयर में ये भी सिचुएशन आ रही है कि वो बहुत ना चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, यानी कि उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जो चीज़ें उनको परेशान करेंगी ना, जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, उनको वो बिल्कुल साइड में कर देंगे, क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड, इमोशंस बिल्कुल छोड़ देंगे, आँख पे पट्टी बांध लेंगे और बिल्कुल ऐसे करके क्रॉस करके बैठ जाएंगे। क्योंकि उनको बिल्कुल जो है इस वक्त वो रोना नहीं चाहते, तकलीफ में नहीं रहना चाहेंगे, वो आगे ग्रो करना चाहते हैं। और आगे चैरियट का जो कार्ड है वो बता रहा है अब मूवमेंट रहेगा, जैसे लाइफ आ रही है वैसे आप लाइफ लेते रहेंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू फॉलो। तो इसलिए आपके लिए ये जो साल है ये बहुत अच्छा है, इमोशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और प्रैक्टिकल रह के अपने बस फ्लो में अपना अप मूवमेंट करते रहिएगा, ठीक है। 28 जून खुश है, बस मैसेज आ रहा था, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, मैम मेरी 28 जून की बर्थडे रीडिंग, तो लीजिए मैंने आपकी रीडिंग कर दी, आप खुश होने चाहिए आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और पूरा देखिए, और भी बर्थडेज आ रहे हैं।